नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं हेडमास्टर एस सी रियार, एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल मीसा। शिक्षा के संदर्भ में सर, शिक्षा को हम बेसिक प्राइमरी लेवल से व अभिभावकों से मिलकर एक अच्छे सुनियोजित तरीके से सुधार के उपाय सुझा सकते हैं। नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए सर समाज जिम्मेवार है। इसमें आजकल जो है हमारी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति या इंटरनेट के माध्यम से जो मोबाइल के थ्रू बच्चों का जो है स्टूडेंट्स का ज्यादा ध्यान उधर की तरफ जा रहा है, तो इससे हमारे जो हम अपनी संस्कृति या संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपने समाज में इस बात पर ध्यान देना है कि हम बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करें, उनको उचित तरीके से शिक्षा दिलाएं। हमारा माता पिता का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान करें और उनको पुराने जो बुजुर्गों द्वारा हमें संस्कार दिए गए थे उनकी याद दिलाएं। आजकल बढ़ते हुए अपराध या प्रवृत्ति की तरफ देखते हुए हमें यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। सभी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते। हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो हमारे यहाँ फीस का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, अभी शहरों की बजाय बहुत ही कम लेवल का है और बहुत से जो गांव में स्कूल हैं वो गरीब विद्यार्थियों की कम शुल्क पर लेकर अच्छे ढंग से तैयारी करवाते हैं या उनको फ्री शिक्षा देते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।